आपने देखा होगा कि जब हम नल चालू करते हैं तो जो पानी गिरता है उसमें कभी कभी बबल्स बनते हैं। अब मित्रों यदि पानी का फोर्स अधिक है तो ये बबल्स बहुत अधिक बनते हैं, और पानी का फोर्स कम है तो बबल्स कम भी बनते हैं। किंतु यदि पानी गंदा है तो उसमें बबल्स लंबे समय तक टिक जाते हैं जो जल्दी शांत नहीं होते हैं। मित्रों वैसे कुछ हमारी मूत्र यानी कि हमारी यूरिन के साथ भी होता है। यूरिन में बबल आना या मूत्र में झाग बनना एक ऐसी समस्या है जो कभी कभी समस्या और कभी कभी समस्या नहीं भी है। तो हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ओम वंदे मात्र। मित्रों हमारा उद्देश्य स्वस्थ रक्षा से दवा मुक्त भारत का है, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप अपनी कुछ भूलों को सुधार के अपने आप को दवा मुक्त रख सकें और अपने एक निरोगी जीवन को जीकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आज मित्रों हम आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत सिंपल सा विषय हमने आगे आपको बता दिया। तो मित्रों होता क्या है, जब हमारी यूरिन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बबल्स देर तक रह जाते हैं, और पूरा प्रॉब्लम नहीं होती है तो क्या होता है, जो फोर्स है उस पर डिपेंड करता है कि ये बस शीघ्र शांत हो जाते हैं। तो चलिए पहले आपको बता देती हूँ कारण क्या है, उसके बाद इसका समाधान भी बताऊंगी, तो विस्तार से थोड़ी चर्चा होगी। तो कारण समझ लीजिए, कारण दूर कर लेंगे तो समाधान तुरंत ही संभव है। किसी किसी के मन में बहुत अधिक प्रश्न आते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना, शुरुआत से हमने ध्यान नहीं दिया और बाद में अचानक से अरे ऐसा कहीं कुछ पढ़ लिया सुन लिया तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, और जहां कॉन्शियस होते हैं वहां बीमारी ना होकर भी कई बार बीमारी यहां बन जाती है तो घातक हो जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं कारणों से। मित्रों पहला जो इसका कारण है ना, मधुमेह। यदि आपको डायबिटीज है, किसी को भी जब डायबिटीज होता है ना मित्रों, तो उनके पेशाब में थोड़ा सा शर्करा यानी कि शुगर जो जाता है उसमें कभी कभी बबल्स अधिक बनते हैं। तो यदि आपको शुगर है तो डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा, और अपनी शुगर का परमानेंट इलाज करिए ताकि आपको आगे समस्या ना आए, शुगर का सोल्यूशन करिए। उसके बाद दूसरा जो रीजन होता है ना, अत्यधिक प्रोटीन बढ़ जाना, यानी कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो प्रोटीन डाइट अधिक लेते हैं, जिनको लगता है कि प्रोटीन हमारे शरीर में जरूरी है, पर कभी कभी क्या होता है प्रोटीन डाइट लेने के बाद उनके शरीर की कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है जिनसे मूत्र में झाग बन जाता है, और ये आपके लिए प्रोटीन डाइट अधिक लेने से होता है। तो अपनी डाइट को थोड़ा हल्का कर लीजिए, प्रोटीन पाउडर अधिक ले रहे हैं कुछ ऐसी डाइट आप ले रहे हैं तो उसको कंट्रोल करिए, हरी सब्जियां खाना आरंभ करिए, सीजनल फल खाना आरंभ करिए, और इससे ही आपको इस स्थिति में समाधान मिल जाएगा और आप शीघ्र अपने मूत्र को सही कर पाएंगे। उसके बाद जो तीसरा बड़ा कारण है वह यूरिनल इन्फेक्शन, यानी कि आपके किडनी में जो हमारे मूत्र संस्थान के जो अंग होते हैं ना, किडनी है, ब्लेडर है, या कहीं भी आपको कोई इन्फेक्शन आदि हुआ है तो भी उसके कारण से भी इसमें बबल्स बन जाते हैं। अब जो लोग हस्तमैथुन आदि करते हैं उनके अंग वैसे ही प्रभावित हो जाते हैं, तो इसके कारण से भी किसी किसी को ये समस्या होती है। यदि आप ऐसी कोई भूल करें जिससे आपको इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दवा मुक्ति प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में यूटीआई पर हमने डिटेल में वीडियो दिया, उसको देखिए, पालन करिए ताकि आपका इन्फेक्शन सही हो और आपको इस समस्या का जड़ से समाधान मिले। उसके बाद एक चौथा रीजन है मित्रों, किडनी में सूजन। जब किडनी में सूजन आ जाती है ना, तब भी जो कभी थोड़ा पस जैसा कुछ मवा जैसा कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जिसके कारण से समस्या हो जाती है, तो किडनी की सूजन भी यदि आप उस यूटीआई वाला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा जो कारण है, यदि आपको किडनी में कोई भी कैसी भी समस्या है, अभी समस्या कैसे थी वो थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, जैसे आप कोई दवाइयां खा रहे हैं, पानी कम पिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारी किडनी बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो किडनी प्रभावित होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यूरिन में बबल्स बनेंगे और ये आपके जल्दी शांत नहीं होंगे, अन्यथा यूरिन किया और बस थोड़ा बबल्स बने और वो वहीं शांत हो जाते हैं, ये नॉर्मल होता है। उसके बाद मित्रों इन्हीं सब चीजों की जो आप दवाइयां खाते हो, ये सबसे बड़ा कारण है दवाइयां खाना कि भाई यूरिन में बबल्स बनते, क्योंकि उसमें आप देखेंगे यूरिन में आपकी कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है जो दवाइयों की भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो हॉस्पिटलाइज होने में या किसी भी स्थिति में ये स्थिति बन जाती है कि यूरिन में बहुत अधिक बबल्स बनते हैं, तो ये आप देखिए कि आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इन दवाओं से जितना बचे, क्योंकि कहा ना हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत होगा, आप जितना दवाओं से बचेंगे उतना आप अपने आप को सही कर पाएंगे। और मित्रों इनका सबका जो है, ये जो हो चुका है, इन सबका जो बाप सबसे बड़ा कारण है वो है पानी कम पीना। जी हाँ मित्रों, यदि आपकी यूरिन का कलर हल्का पीला है और उसके साथ आप दवाइयां खा रहे हो तो निश्चित है कि आप यूरिन में अच्छे खासे बबल्स बनेंगे। तो आपको पानी कितना पीना है तो ध्यान ये दीजिए कि आपका जो वजन है उस अनुसार पानी होता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट है, उसमें हमने इस विषय पर डिटेल में वीडियो दिया कि भाई आपको पानी किस स्थिति में कितना पीना है, कैसे पीना, क्या सावधानियां से पानी कब पीना, कब पानी कब नहीं पीना, सारी बातें आपको स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में जानने को मिल जाएंगी, क्योंकि डिटेल में वीडियो हमने बनाए ताकि आप भूल ना करें।
या भूल जो कर रहे हैं उसको अपने आप में सुधार, क्योंकि सुधार ही समाधान है। और सुधार नहीं है तो कितनी भी दवाइयां खा लें समाधान नहीं होता, क्योंकि दवाइयों से समाधान होते हैं ना तो हमारे देश में जो बड़े बड़े नामी लोग अकाल मृत्यु के ग्रास बन गए, कोई स्टेज पे नाश्ता चला गया, कोई कहीं कुछ हुआ, कुछ कहीं हो गया, तो सब अपने आप को बचा सकते क्योंकि ये हाइजीनिक के हया के साथ ही जीते थे, ये सब कुछ अच्छी चीजें लेते थे, फिर भी इनके साथ ऐसा हुआ है क्योंकि कुछ चीजें अनुचित थी। तो ये हमने आपको इसके कारण बता दिया, अब हम आपको इसके समाधान की ओर ले जाते हैं। तो मित्रों, इसमें सबसे जो पहला समाधान है कि आप पानी सही मात्रा में पिए, पानी आपके वजन के अनुसार आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको पीना, आप कहेंगे प्यास नहीं लगती है तो कभी कभी बिना प्यास के भी पानी पीना पड़ता है, क्योंकि आप बिना प्यास के पानी नहीं पिएंगे तो आपका शरीर रोगी रहेगा, क्योंकि जो आपका अभी चल रहा है। बिना प्यास के पानी क्यों पीना पड़ता है, क्योंकि एसी वगैरह में रहते हैं, ज्यादा मेहनत श्रम का काम होता नहीं है, मानसिक श्रम है, शारीरिक श्रम आजकल न्यून हो गया, बहुत कम हो गया, लोग धूप में चलते नहीं, धूप में रहते नहीं है, तो इस स्थिति में प्यास कम लगती है। तो उस स्थिति को आपको समझना होगा, तो आप वजन अनुसार जल सेवन आरंभ करेंगे तो पहला समाधान है कि हो सकता है इसी से आपके सारे इन्फेक्शन निकल जाएं और आपका यूरिन नॉर्मल हो जाए। उसके बाद जो दूसरा है वो कहा ना, प्रोटीन की डाइट कम लेंगे तो इससे भी आपको समाधान हो जाएगा। और तीसरा बड़ा उपाय है कि भाई जो दवाइयां खा रहे उनसे बाहर निकलिए, दवाइयों की जो स्मेल है जो आपकी यूरिन में आ रही है उससे भी बबल्स बन, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इन समस्याओं का कारण बना रही हैं। तो ये जो है आपके समाधान के रूप में मैंने छोटी सी बातें आपको बताई। अब आपको बता दूं कुछ औषधीय प्रयोग भी आप ले लें, जैसे आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप कोई भी शरबत घर में बने जैसे बेल का शरबत है उसको थोड़ा पतला करके उसमें पीजिए, और शरबत बनाना है मीठे के रूप में आप चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, आप बोरा ले सकते हैं, आप देशी खांड ले सकते हैं, आप गुड़ का पानी भी ले सकते हैं। गुड़ का पानी आपको कैसे बनाना है, क्योंकि गुड़ का पानी थोड़ा उष्ण प्रकृति का पड़ जाता है किसी किसी को, जैसे मुझे भी पड़ जाता है, तो क्या करना, गुड़ को आपको लगभग 4 से 6 घंटे, 5 घंटे के आसपास का समय हम पकड़ते हैं, 5 घंटे यदि आप उसको पानी में कांच के बर्तन में भिगा देते हैं ना, तो ये आपके शरीर में बहुत अच्छी ठंडक देने का काम करता है। तो इसको करिए, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके अलावा आप गुलाब शरबत पी सकते हैं, आप गुलकंद खा सकते हैं, जिससे आपके शरीर में ठंडक आ जाए, क्योंकि ये सारा जो झाका जो मामला है ना, ये इन्फेक्शन प्लस गर्मी, और इन्फेक्शन किसकी होती है, अधिकांश दवाओं से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इससे निकलने के लिए आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और हो सके तो आप रात्रि में दूध का सेवन अवश्य करें, क्योंकि दूध के सेवन से आपके शरीर की गर्मी निकलने में आपकी सहायता होती है। पर दूध ध्यान रहे, बकरी का मिले तो सबसे अच्छा है, नहीं तो गाय का भी ले सकते हैं, और भैंस का दूध मिल रहा है तो वो भैंस के दूध में आप कम से कम 1/3 पानी मिला लीजिए, यानी कि 2/3 आपका दूध रहेगा और 1/3 आपका पानी रहेगा, तो ये आपका एक नॉर्मल दूध थोड़ा बन जाता है। किंतु ध्यान रहे, थैली वाला दूध आपके लिए हितकारी नहीं है, कोई पाउडर वाला दूध आपके लिए हितकारी नहीं है, किसी के लिए भी हितकारी नहीं है, तो आप ऐसा दूध सेवन करें। और यदि आप गाँव में रहते हैं तो थोड़ा कष्ट करिए, एक गाय भैंस बकरी पाल लीजिए तो आपको ताजा दूध घर का मिल सकता है, अन्यथा बाजार में तो बहुत सारी मिलावटें आप कहेंगे हर चीज मिलावट वाली आ रही है, हाँ आ रही है, पर हम अपने आप को तो बचा सकते हैं ना। अब बचाएं कैसे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं विस्तार से वीडियो दिया, एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करेंगे, आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपको बिना दवा के स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करेंगे। तो आशा है आपको हमारे सुझाव अच्छे लगे होंगे, और जैसे भी लगे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, हमें नए नए विषय भी देते हैं, ताकि हम आपको और अच्छे से दवा मुक्त भारत की ओर ले जाने में अपनी और आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, आप इसमें सहायक हो सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपनी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। धन्यवाद, वंदे मातरम।